तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज हम लेके आ गए हैं नई होस्टिंग। इसका नाम है पिलिक्स नोडिस। तुम लोगों ने फ्लिक्स नोडिस के बारे में सुना होगा, यह है पिलिक्स नोडिस। और गाइस, ये है फ्री होस्टिंग जो अपने को फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती है। और गाइस, एकदम बढ़िया वाला सब चीज़ देती है। ये इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट तुम लोग देख लो। कुछ इस प्रकार से इन लोगों ने अपनी वेबसाइट बना रखी है। नीचे इनका डिस्कॉर्ड, ईमेल वगैरह। और गाइस, इस वेबसाइट के अंदर एक और दूसरी चीज़ है कि इधर आप लोग जब भी अपना लॉगिन करोगे तो आपको डिस्कॉर्ड अकाउंट से होगा लॉगिन, तो जाके डिस्कॉर्ड का अकाउंट बना लेना। तो देखो, ये इनकी 24/7 ऑनलाइन वगैरह है, मस्त है, फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे आगे अपना स्टार्ट नाउ का बटन, इस पर जैसे ही अपना दबाएंगे फिर अपना रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो देखो, ऐसे करके आएगा लॉगिन यूजिंग डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड के अलावा किसी से लॉगिन नहीं होगा तो डिस्कॉर्ड बना लो, डिस्कॉर्ड का अकाउंट। डिस्कॉर्ड से जैसे तुम लोग लॉगिन वाला बटन दबाओगे तुरंत तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाएगा। मैंने सब हाइड वगैरह कर लिया क्योंकि उसमें मेरा यूज़र नेम वगैरह, तुम देख लो वेबसाइट पे मेरा यूज़र नेम वगैरह आया था। डिस्कॉर्ड के अथनोलेज पे क्लिक करके अपना हो जाएगा, अपना पहुंच जाएंगे इधर। इधर देखो, अपना को मिलेगी 2 GB की रैम, 10 GB की डिस्क, 120 GB कह रहा हूँ, 120 का अपना को CPU लोड मिल जाएगा। और अपना 3 सर्वर बना सकते हैं इसमें। बाकी इधर देखो, इनका कॉइन वगैरह का भी सिस्टम है तो उससे तुम लोग कर सकते हो। पहले तो मैं दिखा दूँ कि कैसे करके तुम लोग को सर्वर बनाना है। देखो, यहाँ पर सर्वर लेबल डिस्क्रिप्शन, लेबल के अंदर सर्वर का नाम डाल देना, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी डालना है वो डाल देना। बाकी यहाँ पे देखो, इंडिया के भी हैं, यहाँ पे तुम हर कंट्री का, जैसे जितनी भी कंट्री, इन कंट्री में तुम बना सकते हो। बाकी यहाँ पे पेपर, जावा, बंजी कॉड। बाकी देखो, यहाँ पे मेरे सब 0 क्यों हुआ पड़ा है, क्योंकि मैंने एक ही सर्वर में सब अपना यूज़ कर लिया, रैम डाटा वगैरह सब कुछ। अब देखो बाकी, ये देखो, ये कुछ इस प्रकार से इनका ऊपर का, यहाँ पे अपना आता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र, रेफरल कोड। अभी देखो, मैं पहले तुम्हें ट्रांसफ़र दिखा देता। देखो, ट्रांसफ़र के अंदर ये है कि तुम अपने दोस्त को जो उनके कॉइन्स हैं वो तुम पता नहीं 150 तुम्हें मिल जाएंगे। बाकी तुम लोग मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, AHMOP, पूरा बढ़िया में लिखना है AHMOP, तो उससे भी तुम लोग को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो, अपना डिस्कॉर्ड का वो डाल दोगे और वो हो जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग अपना वो कर सकते हो, अपना खुद का कूपन कोड बना सकते हो। अगर तुम लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो मुझे 80 मिलेंगे, तुम्हें 250, तुम्हें 250 कॉइन मिल जाएंगे। देखो, मैंने लिखा यहाँ पे AHMOP। ये जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट का बटन दबाया, यहाँ पे देखो मेरा कूपन कोड तैयार हो गया सक्सेसफुली। योर रिडीम कोड हैज़ बीन मेड, जो भी है रेफरल कोड अपना बन गया। अब तुम लोग इसे यूज़ कर सकते हो, उससे तुम लोगों को भी मिल जाएंगे। बाकी देखो, साइड में लिखा पड़ा है information/help के नीचे, everyone who join तुम लोग को 80 मिलेंगे। बाकी वो जो जना ज्वाइन करेगा उसे 250। बाकी यहाँ पे आ जाता है इनका स्टोर। स्टोर के अंदर देखो, ये जो कॉइन लिखे हैं ये असली वाली मनी नहीं है। पहले इनके मनी से तुम कॉइन खरीदोगे, कॉइन खरीदने के बाद तुम सब ये सब ले सकते हो, रैम वगैरह सब चीज़ें तुम कॉइन से ले सकते हो इनसे। जैसे तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर 400, 2000 ये कॉइन भी वो सस्ते हैं वैसे इनके। तुम लोग को इनके कॉइन वगैरह सब इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और वेबसाइट के भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी और पैनल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी देखो, कुछ ऐसे करके, बाकी अगर तुम्हें एक्स्ट्रा और सर्वर बनाने हैं 10 वगैरह तो उसके तुम अलग से ख़रीद सकते हो उनके स्टोर से। उसके बाद आते हैं अपना अर्न पे। अर्न के अंदर ऐसा सीन है कि यहाँ पे देखो, तुम जितना टाइम तुम AFK रहोगे उतना ज़्यादा तुम्हें वो मिलेंगे यहाँ पे कॉइन्स। हर टाइम देखो, AFK रहने पे तुम्हें कॉइन्स वगैरह हमें मिलेंगे। अब देखो, नीचे मेरा टाइमर चल रहा है, योर कॉइन अगेन इन 48 सेकेंड्स आ रहे हैं यहाँ पे देखो साइंस का। यहाँ पे देखो, जितना तुम 60 सेकेंड जितना तुम मतलब AFK रहोगे, 1 मिनट के अंदर तुम्हें कॉइन मिलेंगे। अब आ जाते हैं अपने अकाउंट्स में। अकाउंट्स के अंदर देखो, तुम्हारा यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड दिखाएगा। ईमेल और पासवर्ड और यूज़र नेम, बाकी जो भी ये सब है, ये सब तुम्हारा उधर यूज़ में आएगा कंट्रोल पैनल में। अब देखो, पैनल की लिंक दूसरी है तो वो भी मैंने तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इनका कुछ पैनल है जैसे नॉर्मल पैनल होते हैं वही, ऐसे तुम लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, रुको मैं फ़ोन की स्क्रीन ज़रा सीधी करके तुम लोग को दिखा देता। देखो, जैसे अपने नॉर्मल वगैरह पैनल होते हैं वैसे इनका सिंपल सा पैनल है, ईजी टू यूज़, आराम से कर लो, आराम से यूज़ वगैरह करो, सब करो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।